हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो गूगल बॉलीवुड। मनीष गोयल हैं वो एक्टर जिनको मौका मिला है विकास दुबे की बायोपिक में काम करने का। बायोपिक का नाम है हनक। इस पे किताब छपी थी मैं कानपुर वाला, जिसको लिखा था मृदुल कपिल ने, और किताब का नाम था मैं कानपुर वाला, जिसको डिजिटली रिलीज किया गया था कुछ महीने पहले। यूके बेस्ड प्रोड्यूसर ने जब इसके राइट्स खरीदे तो उन्होंने सोचा कि इस पे एक फिल्म बननी चाहिए। सारी टीम कास्ट करने के बाद पूरी टीम ने सोचा कि अब कौन निभाएगा इस किरदार को जो यूपी का गैंगस्टर है। तो काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने सोचा कि मनीष ही है वो इंसान जो विकास का करेक्टर निभाएगा इस फिल्म में। इस फिल्म की बात करें तो 27 नवंबर से इस फिल्म का शूट शुरू है और ये फिल्म सिनेमाज में रिलीज होगी 2021 में। इस गैंगस्टर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी अपने एनकाउंटर के बाद। काफी ज्यादा विवाद छाया रहा ट्विटर पे कि इसके पीछे पुलिस का नहीं हाथ, गवर्नमेंट का हाथ है इस एनकाउंटर में। तो गाइस, ये तो बुक ही रिवील करेगी और ये फिल्म ही रिवील करेगी कि क्या हुआ था उस दिन और क्या कहना चाहती है फिल्म। अगर मेकर्स की बात करें तो उनका कहना है कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने क्रिमिनल्स को बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया है, यानी लोग इनसे इंस्पायर होने लगे हैं। तो उनका कहना यह है कि हम क्रिमिनल की बायोपिक इसलिए बना रहे हैं कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखा सके कि आपको एक समय पे आके क्रिमिनल से नफरत होने लगेगी। तो उनका मकसद यही है कि क्रिमिनल्स को बहुत बुरे तरीके से दिखाया जाए ताकि लोग क्रिमिनल से इंस्पायर ना हो। तो गाइज, ये फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। अब देखना यही बाकी है कि क्या दिखाया है मेकर्स ने, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले कोई कंट्रोवर्सी में ना फंसे। तो गाइज, ये था विकास, यानी कि बहुत बड़े गैंगस्टर से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट। तो और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।